यूपी का ऐतिहासिक शहर बनारस में दुनिया भर के लोग घूमने आते हैं। यह शहर मंदिर, घाट, गलियों के अलावा अपने खाने पीने की चीज़ों को लेकर भी काफ़ी मशहूर है। काशी में 90 साल पुरानी लस्सी की दुकान भी यहाँ पे बहुत ही खास है। वाराणसी में महाशमशान मणिकर्णिका घाट जाते समय ब्लू लस्सी की यह पुरानी दुकान आपको आकर्षित कर लेगा। इस दुकान पर कई तरीके की लस्सियाँ ग्राहकों को परोसी जाती हैं। खास बात तो यह है कि सात समुंदर पार से आने वाले विदेशी मेहमान भी इस स्वाद के दीवाने हैं। 35 साल से जो है ये फ्रूट वाली लस्सी जो है। 35 साल से? हाँ, हमारा लड़के के। मतलब जो भी क्रेडिट आप अपने लड़के को ही दे रहे हैं? हाँ, तो हम केवल प्लेन जानते थे। अच्छा, उसने ये सब निकाला बताया तब ना हम बनाने लगे। हाँ, तो कोरिया जाके उन्होंने इसको पूरा सिखाया? दो वर्ष वहाँ रहे। दो महीना? दो वर्ष। क्या? अच्छा, दो साल कोरिया वालों ने। अच्छा, कोरिया वालों ने किस में दिया है? लोनली प्लैनेट में है ना, गवर्नमेंट अप्रूव के नीचे लिखा है लोनली प्लैनेट। हाँ हाँ हाँ, ये विदेशियों का गाइड बुक है। अच्छा, विदेशियों के गाइड बुक में भी आपका पूरा नाम है। 367 पेज पर है। अच्छा, 367 पेज पर है। पूरा फोटो है दुकान का, पूरा नाम है, हमारे लड़के का पूरा है। अरे, आपका दुकान तो पूरे बनारस में क्या? हमको लगता है कि काफ़ी पूरे पूर्वांचल में फेमस पूरे विश्व। अच्छा, ये जो आपकी शॉप में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ढेर सारे यहाँ पे फोटो लगे हुए हैं। हाँ, तो वो उनका देख के यहाँ वाले भी लगाने लगे मेमोरी के लिए। तो मतलब जो भी ग्राहक आपके यहाँ आते हैं वो अपना लगाते हैं। तो अभी कौन सा आप फ्लेवर बना रहे हैं? अभी तो प्लेन लस्सी ये बन रही है, इसके बाद जो जो फ्लेवर का ऑर्डर होता है वो बनाते हैं। अच्छा, बढ़िया। सुपर, बढ़िया है। हम लोग साउथ लोग। आप साउथ से? चेन्नई से। चेन्नई पहली बार आए हैं बनारस? नहीं नहीं, हम यहाँ सेटल हो गया। अच्छा, आप यहाँ सेटल हो गए? साउथ इंडियन है, यहाँ सेटल हो गए। यहाँ ट्रैवल्स का काम करते हैं हम। अच्छा, तो कैसा लगा है ये? हम मामूली आएंगे ना, रेगुलर कस्टमर है। अच्छा, आप डेली के कस्टमर हैं? अरे वाह, बढ़िया है, सुपर। सुपर ओके। विच सिटी? चेन्नई। चेन्नई ओके। फर्स्ट टाइम कम या सेकंड टाइम? या सेकंड टाइम। ओके, हाउ मच टेस्ट? टेस्ट वेरी गुड। सुपर ओके ओके, थैंक यू। क्या प्राइस पड़ता होगा? 120 रुपये। 180। सिंपल सिंपल लस्सी का क्या दाम है? इंडियन लस्सी। सिंपल लस्सी का दाम क्या होगा? 40। 40 रुपये। उसके बाद फिर है आपका ड्राई फ्रूट? ड्राई फ्रूट, मिक्स फ्रूट, मैंगो, बनाना, कोकोनट का नाम अलग अलग। यानी आपका जो लस्सी है उसका प्राइस भी जेन्युइन ही है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा है या ऐसा कुछ है। एक क्वार्टर के दाम का आधा है। एक क्वार्टर जितने पीते उससे आधा दाम है उसका। हाँ, नहीं, जैसे बाकी भी शहर में जितने भी नामचीन लस्सी की दुकान है उसमें आपका दाम हमको ठीक ही लगा है। सेफ्रॉन करो, एक सेफ्रॉन ड्राई फ्रूट करो। अच्छा, ये जो डाल रही है क्या ये सेफ्रॉन है? सेफ्रॉन। इस शॉप पर मिक्स फ्रूट लस्सी, ड्राई फ्रूट लस्सी, चॉकलेट लस्सी, मैंगो लस्सी, बनाना लस्सी, एप्पल लस्सी, पाइन एप्पल लस्सी, इस तरह के अनेकों वैरायटी हैं जहां लोग आते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। लोकल लोगों के साथ ही विदेशी मेहमान भी यहां पे आते हैं और लस्सी के इन अलग अलग फ्लेवरों का स्वाद खूब पसंद करते हैं।
ये ड्राई फ्रूट वाला बना रहे हैं। अभी आप इसमें काजू डाले हैं, पिस्ता डाले हैं और बादाम है। और बादाम है। एक उसको भी ड्राई फ्रूट कर सकते भैया आपका। अच्छा ये आपके तीनों ड्राई फ्रूट वाली रसगुल्ले हैं। काजू सजा के लगाना, ऊपर से मलाई डाल रहा है जी। जाए समोसा ले आते हो ना, समोसा बंद है सर। मतलब अगर ड्राई फ्रूट कहा जा रहा है तो एकदम उसको एकदम नला दे रहे हो, एकदम लड़ गए सर। हुआ उसके बगल जो रबड़ी मलाई वाला है वो संजय भी बता रहे हम लोग बैठा लिए। खाएगा फिर देसी दारू पिएगा उसको कोई असर नहीं। अच्छा भैया ये बताइए कि ब्लू लस्सी नाम कैसे आप इस ये हमने कई वेस्टर्न लोगों ने रखा हुआ है। पहले मेरे दादाजी के नाम पे था पन्नालाल लस्सी वाले, पन्नालाल लस्सी वाले, लेकिन वेस्टर्न लोग बोल नहीं पाए थे, पूरा इंटीरियर ब्लू था। हाँ। जिसकी वजह से ब्लू कलर होते हुए लोग ब्लू लस्सी नाम पड़ गया। अच्छा तो आपके पिताजी ने अभी बताया कि आप कोरिया से ये पूरा चीज़ें आपने कोरिया में रहते थे जेजू आयरलैंड पे, तो वहाँ पे लस्सी मिलती थी? नहीं लस्सी नहीं मिलती, रेस्टोरेंट चलते जेजू आयरलैंड पे मिलती थी, पूरी लस्सी मतलब योगर्ट जानते थे। अच्छा ये तो ये आप तैयार है? दो ड्राई फ्रूट दो प्लेट इधर तब। ये लस्सी तैयार है। देख सकते हो 140 रुपये का ये पूरा कुल्हड़ है ना, 120 में, यानी कि अगर हम एक एक चम्मच खाएं तो उसमें पूरा ड्राई फ्रूट मिलेगा जी। ऐसा नहीं है कि बस खाली ड्राई फ्रूट के नाम पे कुछ और दे दिया गया। नहीं नहीं। तो ब्लू लस्सी में मैं बनारस में रहता हूँ, लेकिन मैं भी पहली बार आया हूँ। पूरे बनारस में नहीं, पूरे वर्ल्ड फेमस है ये ब्लू लस्सी। चलिए इसको हम करते हैं ट्राई। देखिए इसको काफ़ी हैवी है। लस्सी काफ़ी बड़ी है और साथ में एक सीप में आपको सिर्फ ड्राई फ्रूट ही मिलेगा। देखिए जितनी बार, मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने ड्राई फ्रूट के नाम पे आपको ठग दिया हो, ऐसा नहीं है। अंदर तक आपको देखिए पूरा ड्राई फ्रूट ही मिलेगा। ये देखिए इसका ऐसा, देखिए ये मलाई है, ये ड्राई फ्रूट वाली लस्सी है। 120 तरीके का यहाँ पे लस्सी मिलता है। अगर आप बनारस में रहते हैं तो वीडियो को, अगर आप बनारस में रहते हैं तो यहाँ जरूर आइए, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।